हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंफॉर्मेटिव टूर गाइड वीडियो ऑफ केरला ट्रिप। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में केरला का कुछ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में। और अगर आपके पास लगभग 10 दिन का टाइम है और पूरे केरला को आप अच्छे से घूमना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको हर एक जगह के बारे में अच्छे से सारी जानकारी मिल जाएगा। साथ में कितना खर्चा होगा आपके इस पूरे ट्रिप के दौरान सब कुछ शेयर करेंगे। और अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है और आप अपने आइटिनरी को शॉर्ट रखना चाहते हो तो वो भी कैसे करना है आपको वीडियो आगे जाकर जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप नए हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। केरला का इस ट्रिप को हम लोग स्टार्ट करेंगे कोची से। तो डे वन को आप पहले पहुंचिए कोची बाय फ्लाइट और ट्रेन से। नाउ अगर आप सुबह जल्दी पहुंच जाते हो कोची फ्लाइट से तो उस दिन आप एयरपोर्ट के सामने ही एक होटल में चेक इन करके जा सकते हो अतिरपल्ली वाटरफॉल्स देखने, जो कोची एयरपोर्ट से है कुछ 40 किलोमीटर की दूरी पर, जिसका कैब का फेयर आपको 2 से 2.5 हज़ार पड़ जाएगा रिटर्न का और एक घंटा लग जाएगा पहुंचने में। और अगर आप बाई ट्रेन से पहुंचते हो कोची तो अतिरपल्ली वाटरफॉल्स का डिस्टेंस होगा कुछ अराउंड 73 किलोमीटर, क्योंकि कोची एयरपोर्ट से मेन सिटी ही लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आपको अतिरपल्ली वाटरफॉल्स ऐड नहीं करना है अपने आइटिनरी में तो आप उस दिन कोची में ही स्टे कर सकते हो और वहाँ के म्यूजियम्स बीचेस वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो। या अगर आपके पास टाइम कम है तो आप डे वन को ही कोची से पहुंच जाइए मुन्नार, जो आपको लग जाएगा पहुंचने में 3 से 3.5 घंटे, तो यहाँ पर आप एक दिन कम कर सकते हो। और अगर आपको टाइम का कोई दिक्कत नहीं है तो डे वन में आप अतिरपल्ली वाटरफॉल से आने के बाद होटल में ही रेस्ट कीजिए कोची में और डे टू को निकल जाइए मुन्नार के लिए। नाउ डे टू से डे फाइव तक का जो आइटिनरी होगा उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वीडियो आप एक बार जरूर देखिए। अगर नहीं देखा तो इस वीडियो में आपके लिए एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, जिसमें डे टू को आप पहले पहुंचोगे मुन्नार, जिसके लिए आप एक कैब बुक कर सकते हो फॉर 4 डेज मुन्नार तेकेडी घूमने के बाद एलएपी तक का, जिसका प्राइस आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। और मुन्नार पहुंचते टाइम आपको ऑन द वे पर बहुत सारे साइट सीइंग के पॉइंट्स मिलेंगे, तो आप रुक रुक कर जा सकते हो एक्सप्लोर करते हुए। फिर मुन्नार पहुंच के रेस्ट कीजिए अपने होटल में और शाम को कीजिए मुन्नार मार्केट को एक्सप्लोर। और फिर डे थ्री को आप एक्सप्लोर कीजिए मुन्नार के सारे टूरिस्ट प्लेसेस लाइक मेट्टुपट्टी डैम, कुंडाला डैम, टॉप स्टेशन, एरविकुलम नेशनल पार्क, और साथ में कर सकते हो कुछ एक्टिविटीज लाइक बोटिंग, जिप लाइनिंग वगैरह। और साइट सीइंग करने के बाद उस दिन आप मुन्नार में ही स्टे कीजिए। डे फोर को आप सुबह सुबह निकल जाइए तेकेडी के लिए। और मुन्नार से तेकेडी का जर्नी भी बहुत ही खूबसूरत है। ऑन द वे पर यहाँ पर भी आपको बहुत सारे खूबसूरत वाटरफॉल्स, टी गार्डन्स देखने को मिलेगा। और फिर तेकेडी पहुंचकर आप उस दिन होटल में चेक इन करके आप वहाँ का फेमस कथकली शो और मार्शल आर्ट्स देख सकते हो, साथ में एलिफेंट राइड और एलिफेंट शावर एक्टिविटीज भी कर सकते हो। फिर डे फाइव को आप कीजिए तेकेडी का फेमस पेरियर लेक में बोटिंग, जहाँ से आपको बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी दिख जाएंगे, साथ में आप चाहो तो जंगल सफारी भी कर सकते हो। और वहाँ के कुछ व्यू पॉइंट्स और सारा एक्टिविटीज खत्म करने के बाद आप निकल जाइए एलेप्पे के लिए और फिर वहीं पर रुक जाइए होटल में। नाउ यहाँ तक हो जाता है आपका 5 दिन खत्म। और अगर आप चाहते हो तेकेडी को स्किप करना या मुन्नार तेकेडी आप ऑलरेडी घूम चुके हो और इस बार सिर्फ आपको कोस्टल केरला को एक्सप्लोर करना है तो आप डायरेक्टली डे टू को ही कोची से एलेप्पे आ सकते हो। तो इस हिसाब से आप अपना आइटनरी मॉडिफाई कर सकते हो अपने स्केड्यूल के हिसाब से। फिर डे 6 को एलेप्पे में उस दिन आप चेक इन कीजिए एक हाउस बोट पर, जो आप बुक कर सकते हो ऑनलाइन फ्रॉम वेरियस वेबसाइट्स, जिसका कॉस्ट आपको बजट हाउस बोट 4,000 से लेकर 10-12 हज़ार तक का लग्जूरियस हाउस बोट के ऑप्शंस भी मिल जाएगा, और वो आप बुक कर सकते हो अपने बजट के हिसाब से। या ऑफलाइन में भी आप बुक कर सकते हो डायरेक्टली गूगल से नंबर लेकर हाउस बोट के ओनर से बात करके, तो शायद आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ जाए अगर ज्यादा रश नहीं है तो। हम लोग ने MMT से ही बुक कराया था एक डिसेंट सा हाउस बोट जिसका प्राइस पड़ा था 6,000 रुपए, और हम लोग का एक्सपीरियंस भी बहुत ही सही था, हाउस बोट के स्टाफ लोग और खाना भी बहुत ही अच्छा था। अब बहुत लोग हाउस बोट में नाइट स्टे नहीं करना चाहते और सिर्फ डे ट्रिप ही करते, जिसका प्राइस आपको 3 से 4 हज़ार के बीच पड़ जाएगा विथ लंच, तो वो भी आप कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। और नाइट स्टे आप कोई भी बैक वाटर साइड एक रिसोर्ट में भी रुक सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हाउस बोट में ही रुकिए 1 नाइट, क्योंकि ये पूरा बैक वाटर्स का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है, जहां आपका बोट स्टार्ट होगा दोपहर के 12 बजे के आसपास और पूरे बैक वाटर से होते हुए आपको घुमाएंगे और फिर अराउंड 3 बजे के आसपास लंच के लिए रोकेंगे एक जगह पर 1 घंटे के लिए, और आपको सर्व किया जाएगा वेज नॉन वेज मील्स। फिर लंच के बाद 1.5-2 घंटा हाउस बोट चलने के बाद आपको फिर चाय और स्नैक्स भी दिया जाएगा, और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये पूरे बैक वाटर्स का राइड, स्पेशली सनसेट के टाइम तो क्या ही कहने, बहुत ही यादगार रहेगा आपका ये पूरा राइड। फिर शाम को लगभग 7 बजे के आसपास बोट को पार्क कर देते हैं जेटी में, जहां आप चाहो तो कुछ टाइम के लिए लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर रात को आपको डिनर भी प्रोवाइड किया जाएगा।
और नेक्स्ट डे सुबह आपका बोट फिर से 7 बजे के आसपास स्टार्ट होगा, कुछ 2 घंटा चलेगा बैक वाटर्स में और आपको प्रोवाइड किया जाएगा ब्रेकफास्ट। आप सुबह सुबह उस जगह की खूबसूरत वाइब्स को चाय और ब्रेकफास्ट के साथ एंजॉय कीजिए और फिर अराउंड 9 बजे के आसपास आप हाउस बोट से चेकआउट करके निकल जाइए वर्कला के लिए। अब डे 7 में वर्कला जाने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होगा वो है ट्रेन से, जो आपको 200 रुपए में 2 घंटे में पहुंचा देगा वर्कला। बट प्रॉब्लम है कि आपको शायद अपने प्रेफर्ड टाइमिंग के हिसाब से ट्रेन ना मिले, जो हम लोग के साथ भी हुआ था, जिसके कारण हम लोग को कैब बुक करवाना पड़ा जिसका प्राइस आपको 3 से 3,500 के बीच पड़ जाएगा। और कैब आप बुक कर सकते हो गूगल से नंबर लेकर कोई भी ट्रेवल एजेंट से। एलएफपी से वर्कला का डिस्टेंस है अराउंड 115 किलोमीटर जो आपको लग जाएगा 2.5 से 3 घंटे। और वहां पहुंच के हम लोग रुके थे क्लेफोथी बीच रिसोर्ट पे जो वर्कला क्लिफ में ही था। और इस होटल में हम लोग ने पे किया था 4,000 रुपए पर नाइट का विदाउट एनी मील्स, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे बजट होटल्स 1,500-2,000 से लेकर अच्छे अच्छे रिसोर्ट भी मिल जाएगा। तो उस दिन आप होटल में चेक इन करके रिलैक्स करें और चाहो तो कुछ वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हो लाइक सर्फिंग, कायकिंग वगैरह। और शाम को वर्कला क्लिफ काफी कलरफुल और हैपनिंग लगता है और शॉपिंग भी कर सकते हो आप, साथ में बहुत सारे अच्छे अच्छे कैफेज रेस्टोरेंट्स भी है जिसका लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप अपना शाम का टाइम एंजॉय कर सकते हो उस जगह की वाइब्स के साथ। फिर डे 8 को आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद निकल जाइए जटायु अर्थ सेंटर के लिए जो वर्कला बीच से कुछ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहां पहुंचने के लिए आप स्कूटी हायर कर सकते हो जो आपको मिल जाएगा 500 रुपए में, या आप ऑटो या टैक्सी से भी जा सकते हो जो आपको 1,000 से 1,500 के बीच पड़ जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जटायु अर्थ सेंटर के एंट्री टिकट लेने के लिए आपके पास कैश होना जरूरी है, जिसका टिकट का प्राइस 236 रुपीज पर पर्सन होता है और वो आपको सिर्फ कैश में ही देना होता है। और जटायु स्टैचू तक जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है बाई वॉक आप स्टेयर से जा सकते हो और दूसरा है केबल कार से जिसका टिकट का प्राइस है 263 रुपीज पर पर्सन और यहाँ पर आप अपना कार्ड स्वाइप कर सकते हो। और ये जटायु बर्ड का जो स्टेचू है वो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर। और इस जगह की हिस्ट्री के बारे में अच्छे से जानने के लिए आप हम लोग के केरला प्लेलिस्ट में ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हो। फिर जटायु अर्थ सेंटर से निकलने के बाद आप रिटर्न में जाइए कपिल बीच, जो बहुत ही खूबसूरत सा जगह है जहां आपको देखने को मिलता है रोड के एक साइड में समुंदर और दूसरे साइड में बैक वाटर्स, और वहां आपको बोटिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। नाउ आप चाहो तो यहाँ पर भी एक दिन कम कर सकते हो जहाँ कपिल बीच और आसपास के सारे बीच आप वर्कला डे 1 में भी जा सकते हो और नेक्स्ट डे आप जटायु अर्थ सेंटर घूमने के बाद आप जा सकते हो डायरेक्ट कोवलम बीच और वहीं पर स्टे कर सकते हो वर्कला में फिर से ना रुक कर। ये भी एक ऑप्शन है अगर आपके पास टाइम कम है तो। बट एज पर आवर दिस आइटनरी आप उस दिन वर्कला पे ही रुक जाइए क्योंकि आपको वर्कला क्लिफ बहुत ही अच्छा लगेगा और 2 रात रुकने का तो मन जरूर करेगा आपको क्योंकि वो जगह है ही बहुत हैपनिंग सा। फिर डे 9 को आप वर्कला होटल से चेकआउट करके निकल जाइए पूवर आइलैंड के लिए जो है कुछ 80 किलोमीटर की दूरी पर और कुछ 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा आपको पहुंचने में और टैक्सी भी आपको मिल जाएगा 2 से 2,500 में। पूवर आइलैंड फेमस है वहाँ के बोट राइड के लिए जहाँ आपको पूरे बैक वाटर्स के जंगलों के बीच से होते हुए लेकर जाते हैं और आपको बहुत सारे बर्ड्स मैनग्रोव फॉरेस्ट के अंदर से होते हुए खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं और काफी अच्छा सा एक्सपीरियंस भी है। अब पूवर आइलैंड पहुंचकर आप स्टे भी कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे रिसॉर्ट्स भी है लाइक फ्लोटिंग कॉटेजेस भी मिलेंगे तो ये भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। हम लोग इसी फ्लोटिंग कॉटेज के रिसॉर्ट्स में रुके थे जिसका नाम था पूवर आइलैंड बीच रिसॉर्ट, बट फ्लोटिंग कॉटेज हम लोग को मिला नहीं था तो यहाँ पर हम लोग रुके थे लैंड कॉटेज पे जिसका प्राइस पड़ा था 6,000 रुपीज विद ब्रेकफास्ट ओनली और फ्लोटिंग कॉटेज का प्राइस होता है 10,000 रुपीज पर नाइट का और काफी बड़ा सा अच्छा रिसॉर्ट्स है। आपको बहुत ही अच्छा और शांति लगेगा यहाँ पर रुकने में अगर आप फैमिली के साथ या एज ए कपल आ रहे हो तो। या चाहो तो आप यहाँ ना रुककर कोवलम बीच में भी रुक सकते हो और कोवलम से डे ट्रिप करके आप पूवर आकर बोट राइड कर सकते हो। साथ में सामने आप जा सकते हो अडिमाला टेंपल जो कोवलम बीच और पूवर आइलैंड के बीच में पड़ता है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 58 फीट हाइट टॉल शिवा स्टेचू इन गंगाधरेश्वर फॉर्म और ये जगह भी काफी सुंदर है और मस्ट है यहाँ पर आना अगर आप कोवलम आते हो तो। और अगर आप पूवर आइलैंड रुकते हो डे 9 को तो डे 10 को आप होटल से चेकआउट करके अडिमाला टेंपल विजिट करने के बाद आप कोवलम बीच स्टे कर सकते हो। यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल्स भी है और काफी अच्छा सा जगह है कोवलम बीच। कोवलम बीच पर भी आप कुछ वाटर एक्टिविटीज कर सकते हो अगर चाहते हो तो, साथ में यहाँ के लाइट हाउस से तो व्यू बहुत ही शानदार आता है। और शाम को भी रिलैक्स और टाइम स्पेंड करने के लिए काफी अच्छे कैफेज और रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल है। हम लोग यहाँ रुके थे एक बजट होटल में जिसका नाम था सी व्यू पैलेस और इसका प्राइस पड़ा था 2,000 रुपए पर नाइट का
बट यहाँ पर आपको बहुत सारे और भी अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, तो आप बुक कर सकते हो अपने बजट के हिसाब से। और ऐसे ही होता है आपका लॉन्ग 10 डेज का केरला ट्रिप, और फिर नेक्स्ट डे आप निकल जाइए त्रिवेंद्रम से ट्रेन या फ्लाइट से अपने घर के लिए। तो जस्ट टू रीआइट्रेट, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपना आइटिनरी खुद से बना सकते हो अपने स्केड्यूल के हिसाब से, तो ऐसे ही आपके लिए कुछ सैंपल आइटिनरीज मैंने बनाए हैं, जिसमें पहले है 10 डेज का जो इस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किए, दूसरा आइटिनरी है पूरे कोस्टल केरला का, तो ये कुछ ऐसा होगा, और तीसरा होगा ये वाला आइटिनरी जो आप लोग ने हम लोग का पहले वाला आइटिनरी वीडियो देख चुके हो। तो सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आप इस हिसाब से अपना आइटिनरी खुद से प्लान कर सकते हो। और अगर कॉस्ट का बात करें पूरे 10 दिन के ट्रिप का, तो वो कुछ ऐसा होगा, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने आइटिनरी के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो ट्रिप का कॉस्ट। और अगर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कुछ डाउट है, तो आप कमेंट में आप लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा सबको रिप्लाई करने का। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आया है और हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि और लोगों तक पहुंचे ये वीडियो और हम लोग को भी ग्रो करने का मौका मिले। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले, ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव ट्रेवल वीडियोज के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।